हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज के मार्केट में हम लोगों ने बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखी एंड एक स्मार्ट मूव की तरह मार्केट ने प्ले करा है। जैसे कि आप यहाँ पर निफ्टी का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। हम लोगों ने कल जो डिस्कशन करी थी, मैंने आपको कहा था कि आप वेरियस यूट्यूब चैनल्स को ओपन कर सकते हैं एंड जब मार्केट ओपन होगी तो आप पैनलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हैं। ये वाली चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। हम लोगों ने कल जो डिस्कशन करी थी कि एग्जैक्टली इस लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, हमें सेल नहीं करना। मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देती है जहां पर एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, जहां पर एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, हम सेल वहीं करेंगे जहां पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। और ये हम लोगों ने कल ड्रॉ करा था, ठीक है। हम लोगों ने बोला था हम बाय भी करेंगे, हम लोग सेल भी करेंगे, बट अगर नीचे एक कैंडल ड्रॉप करती है, अगर नीचे एक ब्रेकडाउन आता है और एक सेल ऑफ आता है, तो वहां पे सारे पैनलिस्ट बोलेंगे आपको, सारे ट्रेडर्स बोलेंगे कि यहाँ पर आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट और ज्यादा फॉल कर सकते हैं। बट वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको वेट करना है एक 15 मिनट्स नेक्स्ट कैंडल का। अगर वो उसके ऊपर जोन के ऊपर दोबारा क्लोज कर जाती है, वहां पर हम अपना एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। ऑलमोस्ट इस लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है एंड ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स की रैली निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर आप देख चेक कर सकते हैं कि जब मार्केट सुबह ओपन हुई थी तो एक गैप ओपनिंग हुई, ऊपर गया भी, अपने प्रीवियस लेवल्स को टेस्ट भी करा, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक हमें देखने को मिली, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिली एंड दोनों कंडीशंस मैंने आपको बताई थी ये आने वाली है और दोनों पे हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। आया हो अब यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना, देखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या हुई है और एक बुरी चीज़ क्या हुई है। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमने आपको कल बताया था उन्हें डेली टाइम फ्रेम कि जितने भी सेलर्स थे वो सारे के सारे ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली हैं, कुछ माइनस सेलर्स बचे हुए हैं जो एक हैवी क्वांटिटी को बस एग्जिट करना चाहते होंगे और वो हैवी क्वांटिटी को सेल ऑफ के थ्रू वो लेकर आएंगे, जहां पर आप लोगों के माइंड में ये चीज डाली जाएगी कि अब यहां पर एक बियरिश सिग्नल जनरेट हो गया है निफ्टी के अंदर, बट वो एक्चुअल में एक फॉल्स ब्रेकडाउन होगा, एक ट्रैप होगा टू रिटेल इन्वेस्टर्स, वो भी यहां पर देखने को मिल गया, एक बाइंग एंट्री भी देखने को मिल गई। पॉजिटिव चीज तो ये हो गई। नेगेटिव क्या था कि आप देख सकते हैं मंडे जब मार्केट अभी ओपन हुई तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करा, ऊपर गया बट विक की क्लोजिंग थी, बट ऊपर तक गया। अगेन जब इसने फॉल्स ब्रेकडाउन के साथ ऊपर करा तो बायर्स री एंटर तो हुए बट ज्यादा पॉजिटिवली नहीं हो पाया, उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया और वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक दोबारा नहीं जा पाया, इट क्रिएटेड अ लोअर हाई। एंड जब ये लोअर हाई क्रिएट हुआ तो अगेन न्यू सेलर्स ट्राई टू एंटर द मार्केट एंड उन्होंने पुश करा मार्केट को इस रेजिस्टेंस से इट्स सपोर्ट तक। अब यहाँ पे दो सपोर्ट बन चुके हैं तो हम लोगों ने एक जोन क्रिएट करा हुआ है, इस जोन के ऊपर बाय है, इस जोन के नीचे सेल है, ठीक है, बहुत इजी वे में होने वाला है। आप देख सकते हैं जब ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल हमें देखने को मिली थी तो देयर आर नो वॉल्यूम्स, ठीक है, सो क्लियर साइंस था कि यहाँ पर हम लोगों को एक ऊपर की तरफ अप मूव देखने को मिल सकता है और हमने कहा था कि ऑलमोस्ट 70% एग्जिट कर चुके हैं, 30% आर रिमेनिंग, तो वो 30% का ही ये वॉल्यूम्स यहाँ पर जनरेट हुआ है, ठीक है, एज यू कैन सी इट हियर। अब किस तरीके से काम करना है, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट था दैट शुड बी दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि 16,690 का था एंड जो रिसेंट आज का स्विंग लो बना है दैट इज 16,940 का, ये हमारा लो है। सो व्हाट वी डिड इज वी क्रिएटेड अ डिमांड जोन, सो हम लोगों ने एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है। इस जोन में कभी भी आए एंड यहाँ से एक पुल बैक या एक रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करे तो वहां पर हम अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इट क्रिएटेड अ डोजी कैंडल, वॉल्यूम्स अच्छे से राइज हुए, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, सी दिस, वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ऊपर थे एंड एक बुलिश कैंडल अगेन क्रिएट करी एंड वॉल्यूम्स भी ऊपर थे। सो इस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को ना दिखाना चाहूंगा ओपन इंटरेस्ट का डाटा आज का। सो गाइस, हम लोग एवरी टाइम वी आर ट्राइंग कि हम लोग 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव आए बिकॉज वहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिलती है और वहां पर हम आपको BTST कल कौन से स्टॉक्स खरीद सकते हो वो पहले ही बता देते हैं कि आप पहले से ही ट्रेड्स को लेकर रख लो। तो आज हम लोगों ने जो भी 3 स्टॉक्स आपको बता रखे हैं वो ऑलरेडी मैंने सुबह दोपहर को बता दिए थे एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी टेकन दैट ट्रेड्स, ठीक है, सो लेट्स सी कि वो कल किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। अब यहाँ पे नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप पे। आप देख सकते हैं 17,100 के पुट ओआई चेंज में नेगेटिव है, दैट मीन्स कि पहले ये 1.7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स थे सुबह के टाइम पे और अब ये नेगेटिव 1,69,000 हो चुके हैं। दैट मीन्स अगर पुट राइटर्स नेगेटिव आ गया तो दैट मीन्स कि पुट राइटर्स यानी कि पुट सेलर्स है तो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था बुलिश, बट जब वो लोगों ने एग्जिट करा तो डेफिनेटली किसी ने तो बाय करा होगा पुट्स को, तो ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हैं अगर जीरो होता तो जितने पुट राइटर्स थे उतने ही पुट बायर्स भी होने चाहिए थे, बट ये नेगेटिव है दैट मीन्स एक्स्ट्रा पुट बाइंग की एडिशन हुई है।
ठीक है, तो यानी कि 17100 पे बहुत ज्यादा पुट बाइंग हो रखी है। इसके अलावा चेंज इन ओआई कॉल का देखोगे आप तो 32 मिलियन है, दैट मीन्स कि कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां पे। तो 17,100-130 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। मैं एक बार आपको दोबारा लेकर चलता हूँ, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सप्लाई जोन है ये 17,100 से लेकर 17,130 तक का बना रखा है। अगर 17,130 के ऊपर ये एक घंटा भी मार्केट सस्टेन कर लेती है तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं जो 17,000, 16,900 और 17,100 पे बने हुए हैं वो सारे लोग ट्रैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज कल एक्सपायरी परसों एक्सपायरी होगी एंड परसों एक्सपायरी में वो ज्यादा टाइम तक उस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करके नहीं रख सकते। और अगर उसने ब्रेकआउट दिया 17,130 के ऊपर 17,145 तक भी गया तो जितने भी वो लोग हैं वो एक हाइप क्रिएट हो जाएगी कॉल की साइड में, एक पुट राइटर ज्यादा एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉल बाइंग स्टार्ट हो जाएगी एंड एक शॉर्ट कवरिंग के थ्रू हम लोग 17,200-250 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अब दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज तो देख ली है, बट यहाँ पर हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के डाटा में यही देखने को मिल रहा है कि हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव है रादर देन पुट राइटर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं 17,000 पे भी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करा है और कॉल राइटर्स की पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है। सो दैट मींस कि एक सेल ऑफ अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट डाटा आ सकता है। तो यहाँ दो सिनेरियो में सेल ऑफ के लिए, बाय के लिए तो आपको बता दें इसके ऊपर ही बाय करना है जब एक घंटे तक ऊपर सस्टेन कर पाए। ठीक है, सेल ऑफ के दो सिनेरियो, फर्स्ट अगर ये लेवल ट्राई करता है इस लेवल तक आने में और हम देखते हैं कि अभी भी पुट राइटर्स अनवाइंड हो रहे हैं और कॉल राइटर्स की पोजीशन एड ऑन हो रही है तो यहाँ पर क्लियर शॉट है और ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाएंगे। या तो हम वेट करेंगे अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकआउट होने का और जैसे ही इसके नीचे जाता है हम क्लियर शॉट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है अकॉर्डिंग टू निफ्टी, तो अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड मिलता भी है बैंक, फॉर एग्जाम्पल लेट सी निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक करा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली बैंक निफ्टी में जाएंगे और वहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं बिकॉज वो ज्यादा फॉल करेगा और वो ज्यादा टारगेट्स को अचीव कर सकता है बिकॉज वो वीक है अकॉर्डिंग टू निफ्टी। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हुआ, ये एक सपोर्ट लेवल था, ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया फॉल्स ब्रेकडाउन, बट आखिरी के टाइम पे इसने इस पर्टिकुलर लेवल को भी ब्रेक कर दिया, दैट मींस कि वो निफ्टी से ज्यादा वीक है बिकॉज निफ्टी को वो होल्ड कर रहा था और ये होल्ड नहीं कर पाया। सो अगर निफ्टी ने वो लेवल अपना ब्रेक कर दिया तो बैंक निफ्टी में एक फ्री फॉल हमें देखने को मिल सकती है जो ऑलमोस्ट 550-700 पॉइंट्स तक की भी फॉल लेकर आ सकती है। सो सेल ऑन राइज सप्लाई जोन में होगी अगर पुट राइटर्स अनवाइंड हो रहे हो और कॉल राइटर्स की पोजीशन एड ऑन हो रही हो, अदरवाइज हम लोग सेल तभी करेंगे जब निफ्टी का जो रीसेंट स्विंग लो है जो अभी बना था फॉल्स ब्रेकडाउन वाली कैंडल, अगर वो ब्रीच होती है ना लोअर लेवल पे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास आरके फोर्ज। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने क्यों सजेस्ट करा है आपको। इसके पीछे का बस एक ही लॉजिक है, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, कोई भी चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं बना, बट सिंपल एक रीजन है वो है ये वॉल्यूम कैंडल। सो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बोले ना ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। सबसे पहली चीज, नॉट अ वेरी गुड कैंडल स्टिक पैटर्न, बट एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल अपने इस लेवल पे बना है, ऑलमोस्ट 212 से 175 तक की फॉल करी थी, एक क्लियर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला और यहाँ पर इसने अभी एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करी है और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा राइज करे। अब ये वॉल्यूम्स के बेसिस पे मैंने क्यों बताया, अकॉर्डिंग टू स्टडी द पास्ट डाटा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर कभी भी वॉल्यूम्स एक्सीड करे हैं तो क्या हुआ है, सी दिस, यहाँ पर वॉल्यूम्स एक्सीड करा था इस लेवल पे, ठीक है, रेड कलर का वॉल्यूम का बार है एंड एग्जैक्टली अपने हाई पे बना था और वहां से हम लोगों ने एक शार्प फॉल देखी। यहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हो इस लेवल पे, यहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हो, वॉल्यूम का बार इस लाइन के ऊपर था, एग्जैक्टली टॉप पे बना एंड एक सेल ऑफ आया। यहाँ पर ग्रीन कलर का वॉल्यूम था एंड अपने लो पे था, अपने सपोर्ट पे था एंड यहाँ पर हम लोगों को एक अपमूव देखने को मिली, एग्जैक्टली इस लेवल से भी अपमूव देखने को मिली। सेम स्ट्रक्चर हुआ है, ये सपोर्ट लेवल पे है, वॉल्यूम्स आर गुड, यहाँ पर हम लोग एक अपमूव देख सकते हैं। सो अगर कल एक मोमेंटम आना स्टार्ट होती है तो हम इसको कैप्चर कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 195-200 रुपीज के लेवल तक, जो कि एक से दो दिन में हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की। तो हमारा सेकेंड स्टॉक है मैट्रिमोनी, मोंटी कार्लो है हमारा सेकेंड स्टॉक फैशन, लेट मी जस्ट शो यू। सो इसने एक बहुत अच्छा पैटर्न डेवलप करा, जैसे हम कहते हैं हार्मोनिक साइफर पैटर्न।
सो इट क्रिएटेड अ बुलिश हार्मोनिक साइफर पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आप देख सकते हैं कि 88.60% का सपोर्ट है. एंड इसके टारगेट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस बेसिस पे लोअर लोज बने हैं, ठीक है, अपने प्रीवियस स्विंग लोज को ब्रेक करा है इसने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे. बट अगर आप RSI को चेक करोगे तो RSI के अंदर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है. आप देख पा रहे हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, सो विच इज अ वेरी गुड साइन. अब हम लोगों ने लाइव जब आए थे आज सुबह तो हम लोगों ने बात करा था कि 743 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम अपना एक ट्रेड ले सकते हैं इस जोन के ऊपर. एंड डेफिनेटली इसने ब्रेकआउट दिया, सो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें हमें कल कैसे ट्रेड करना है. अगर कल ये खुलता है, मार्केट ओपन होती है, ये गैप डाउन ओपन होता है, या ये कंटिन्यूसली खुलते ही नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो हमें बिल्कुल भी इस पर एंट्री नहीं लेनी है. अगर ये यहीं रुकता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसके बाद नीचे आता है, देन हम लोग अपनी एक बाइंग पोजिशन बना सकते हैं. जब तक ये 743 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है, तब तक ये ऊपर जाने के चांसेस है. अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स, एक या दो दिन के टारगेट्स क्या हो सकते हैं. फर्स्ट टारगेट इज 770 एंड सेकंड टारगेट इज 790. अगर मैं बात करूं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की, फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट हम लोगों ने यूज करा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का. इसको मैं हटा देता हूं कि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है. तो हम लोगों ने सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा है जिसका 61% शुड बी आवर टारगेट. That is 818 rupees का. So एक अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है. हमारा जो सपोर्ट है दैट कैन एक्ट एज अ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस बहुत कम है, टारगेट हमारे ज्यादा है, तो 1:3 का इजिली आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो आप इसे वॉच करके चल सकते हैं. सो आर लास्ट पर्टिकुलर स्टॉक इज टाटा कंज्यूमर. टाटा कंज्यूमर का मैं वीकली चार्ट ओपन करना चाहूंगा. और ना वीकली चार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, एक पैटर्न डेवलप हुआ है जिसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न. वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न मैं एक बार RSI को भी ऊपर कर देता हूँ कि आपको क्लियरली देखें. देख सकते हैं कि इस लेवल से एक फॉल आया, ठीक है. इसने ये पर्टिकुलर स्विंग लो क्रिएट करा, अगेन इट ट्राइड इट्स लेवल टू मूव अप, बट एग्जैक्टली उसी लेवल पे ही इसने पॉज लिया. दैट मीन्स जो एक रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है. एंड आप देख सकते हैं अगेन इट फॉल डाउन और इसने अपना प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करा, इट क्रिएटेड अ हायर लो एंड RSI भी बुलिश है. RSI भी डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा है, इट एग्जैक्टली वर्क कर रहा है. अगेन इट ट्राई टू गो अप और एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस को उसने फेस करा, उसको ब्रेक नहीं कर पाया. इसके बाद इट ट्राइड अगेन थर्ड टाइम और इसने अगेन एक नया हायर लो क्रिएट करा विद अ डबल बॉटम स्ट्रक्चर. सो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये इसका लेवल का ब्रेकआउट दे सकता है. अब यहाँ से ऊपर जाएगा कंटिन्यूसली और अच्छे टारगेट्स दिखा सकता है. अब यहाँ पर जो करंट प्राइस है दैट इज 797. अब मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30-35 points का स्टॉप लॉस है एंड 100 rupees प्लस के टारगेट्स हम यहां पर रिज्यूम कर सकते हैं. अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता है जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी है और पॉसिबिलिटी है, तो 923 तक ये टारगेट्स को हिट कर सकता है जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 100 points का टारगेट है. तो ईजिली आपको यहाँ पर 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है. सो तीनों स्टॉक्स पे हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तीनों को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा. एंड मार्केट के अपडेट्स तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए हैं, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, हमें नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा. बिकॉज 2 बजे से पहले कोई भी ट्रेड्स होंगे वो आपको वहां पर रिकमेंड करे जाएंगे. 2 बजे से 3:30 बजे तक कल कौन से स्टॉक्स बाय कर सकते हो BTST के लिए, या निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सा ट्रेड बन सकता है बाय या सेल साइड में, वो आपको लाइव यूट्यूब पे बताया जाएगा. तो आप हमें हर जगह फॉलो करिए. एंड गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग लेकर आने वाले हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, जिसपे आपको रिकमेंडेशंस मिला करेंगी, जिसपे कॉल और चैट सपोर्ट लाइव मार्केट असिस्टेंस आपको दिया जाएगा, आपको वीकली लर्निंग सेशंस दिए जाएंगे कि आप खुद भी ट्रेड कर पाओ, कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, कौन से पैटर्न्स को स्टडी करना है, कैसे मार्केट के ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है, कैसे बिग इंस्टीट्यूशनल्स प्ले करते हैं, क्या साइकोलॉजी का रोल होना चाहिए, एंड कौन से ऐसे 3 patterns हैं जो मेजरली बनते हैं जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से ऊपर होता है. ये सारी चीज़ों में आपको ट्रेन करा जाएगा एंड आपके साथ लाइव ट्रेड्स भी लिए जाएंगे. ये सारी चीज़ें होंगी. इसके अलावा आपको एक डायनेमिक डैशबोर्ड दे रहा हूँ मैं, एक ट्रेडिंग जर्नल होगा डायनेमिक, जिसपे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, अपना टारगेट लगाना है. जैसे ही अगर आपका कोई स्टॉक फॉर एग्जाम्पल 800 पे और आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है 790 पे, जैसे ही वो 793 पे आएगा ऑटोमेटिकली आपके मेल पे और आपके SMS पे वो अलर्ट आ जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस की 70% तक आ चुका है. स्टॉक अपने चार्ट्स पे जाइए और उसे वॉच करिए कि अपना स्टॉप लॉस तो हिट ना हो जाए. जैसे ही अपने टारगेट के 80% तक पहुंचेगा आपको तब भी मेल आ जाएगा कि आपका स्टॉक टारगेट को हिट करने वाला है, जाइए और एग्जिट करिए.
तो एक बहुत बढ़िया डायनेमिक डैशबोर्ड मिलने वाला है। ये शायद फ्री ऑफ कॉस्ट ना हो, और हो भी सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा बनाने में एक्सपेंसिव है एंड थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट डेफिनेटली ये बनने वाला है विद इन अ वीक और सो बन जाएगा, एंड तब हम आप लोगों को एक डेमो ट्रायल भी देंगे इस पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया, तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में अंदर बताइए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दैट। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लाइफ टाइम एंड आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और वीडियो कैसे लगी प्लीज। Have a good day. Bye bye.